सबरी पूजा सा भुइया मिलन समारोह में शामिल हुए पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी। अपने ही सरकार को शराबबंदी कानून पर कटघरे में खड़े किया पूर्व मुख्यमंत्री, कहा शराब माफिया हो रहे मालोमाल, कहा पलटी मारकर नीतीश कुमार ने जनहित का कार्य किए हैं। चतरा के कुंदा प्रखंड मुख्यालय में आयोजित माता शबरी पूजा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी दीप प्रज्वलित व फीता काटकर उद्घाटन किया। पूर्व मुख्यमंत्री मांझी ने अपने संबोधन में कहा कि शुरू से लेकर अभी तक सही रूप में कोई पूजा कर रहा है तो वह है मांझी, भारतीय और दलित जाति के लोग, क्योंकि हम लोग नाम के आगे राम लगाते हैं और पूजा तन मन धन से करते हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि 76 वर्षों के बाद भी समानवादी शिक्षा देश में आज तक लागू नहीं हुआ, जिसके कारण आज भी जीता जागता उदाहरण है जज का बेटा जज, कलेक्टर का बेटा कलेक्टर और मजदूर का बेटा मजदूर बन रहा है। समानवादी शिक्षा व्यवस्था लागू ना होने के कारण ही आज भुइया समाज का साक्षरता दर न्यूनतम स्तर पर है, जिसके कारण देश में जातिवाद आरक्षण की भावना उत्पन्न हो रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि शराबबंदी कानून लागू होने से पहले जन जागृति करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि शराब कोई खराब चीज नहीं है, लेकिन लिमिट में सेवन करना चाहिए। यहाँ शराब तस्कर सिर्फ मालोमाल हो रहे हैं और आर्थिक रूप से कमजोर लोग का आर्थिक दोहन हो रहा है, क्योंकि बिहार के पड़ोसी राज्यों में शराबबंदी कानून लागू नहीं है। पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों में पूर्व मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि अधिक जनहित के लिए बिहार में नीतीश कुमार को 100 बार भी पलटी मारने की आवश्यकता पड़े तो पलटी मार सकते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पलटी मार कर जनहित का कार्य किया है। बुरा जो देखन वो चला, बुरा न देखे कोई, जो दिल ढूंढा है अपना कि मुझसे बुरा न कोई। कहने का मतलब ये है कि हम दूसरों पर उंगली उठाते हैं तो ये 3 उंगलियां कहती है कि आप क्या कर रहे हो। हम सरकार के बारे में तो ये जरूर कहना चाहते हैं कि खास करके जब तक हम लोग नहीं पढ़ेंगे, हमको लोग नहीं पढ़ावेगा, जिसकी चर्चा अम्बेडकर साहब ने भी किया है, भगवान बुद्ध ने भी कहा है बुद्धम शरणम गच्छामि। लेकिन सरकार को नसीहत इसलिए देते हैं कि संविधान की संरचना बाबा अम्बेडकर ने किया, संविधान में शिक्षा का अधिकार हमको दिया, लेकिन जिस प्रकार से शिक्षा हमको मिले उसकी चर्चा ये सरकार आज तक नहीं की। और उन्होंने चर्चा ये की थी कि कॉमन स्किलिंग सिस्टम होनी चाहिए, राजा का बेटा हो या स्वीपर का बेटा हो, सबको एक समान शिक्षा होनी चाहिए। आज वो एक समान शिक्षा नहीं है, तो ये बहुत बड़ा नसीहत है हम लोग की तरफ से कि बड़े लोग तो किसी रूप में पढ़ा लेते हैं, जात की बात नहीं गरीब और अमीर की बात मैं मानता हूँ, हमारी पार्टी का यही थेसिस है, गरीब और अमीर हम जात के भुइयां हैं। ले हमारा भाई इंस्पेक्टर था, हमारा बेटा अभी जो मंत्री है उसको हम डॉन बॉस्को में पढ़ाया था, उसको दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाया था और आज वो प्रोफेसर है, तो कितने भुइयां पढ़ गए लोग। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर समान शिक्षा होती, सबको एक तरह की पढ़ाई होती, तो जिस तरह से हमारा बेटा आगे बढ़ा है उस प्रकार से हजारों हजार हमारे लोग बढ़ जाते। अब आज यहाँ गिने चुने डॉक्टर इंजीनियर, कल हम लोग देखा उन लोगों को दिया है पुरस्कार, तो उंगली पर गिना हुआ है इस समाज में और गरीब समाज में, चाहे जिस जात का हो। तो हमारा कहना है कि शिक्षा ही एक ऐसी विधा है जिससे आदमी का आर्थिक, सामाजिक, भौतिक और नैतिक विकास हो सकता है, इसलिए शिक्षा को ही परम धर्म मान करके आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। जो सरकार शिक्षा पर ज़्यादा पैसा खर्च कर रही है, बिहार का बजट देखिएगा तो 17% है बजट का, ज़्यादा सबसे ज़्यादा है, लेकिन स्थिति हम नहीं समझते हैं कि जो होना चाहिए वो है। इसलिए सरकार को बाबा अम्बेडकर की बात को मान करके कॉमन स्कूलिंग सिस्टम करना चाहिए, और नहीं तो आज से 4 साल पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि सरकारी विद्यालय ठीक हो जाएंगे यदि सरकार कानून बना दे कि सरकारी पैसा लेने वाला चाहे चपरासी हो
चाहे जज हो उसका भी बेटा सरकारी विद्यालय में पढ़े अनिवार्य रूप में, तब भी हमारे स्कूल की स्थिति ठीक हो जाएगी और हमारे बच्चे आगे पढ़ेंगे। तो ये दो लाइन पर हम सरकार को नसीहत देना चाहते हैं कि दोनों में कोई काम करे तो हमारे गरीब के बच्चे पढ़ सकते हैं। क्या आपकी पार्टी चतरा में प्रत्याशी उतारेगी या NDA का हिस्सा बनेगी? देखिए, इसमें अभी हम लोग इस लाइन पर तो नहीं आए थे, आए थे हरिभजन को वोटन लगे कपास वाली बात बोल रहे हैं, लेकिन जैसा हमारे साथियों ने यहाँ फीडबैक दिया है कि चतरा में आजकल बात तो सही है कि न चाहते भर में भी जो चुनाव हो जाता है कोई न कोई लाइन से आगे बढ़ता है चुनाव, तो हमारे फॉलोअर्स यहाँ बहुत ज़्यादा हैं जैसा कि बताया गया। तो यदि हमारा फॉलोअर ज़्यादा हैं, हम इसके बाद एक टीम भेज रहे हैं और कोशिश करेंगे कि झारखंड में भी पार्लियामेंट का 2-3 सीट हम लोग लड़ें और विधायक में भी 8-10 सीट लड़ें। इसके लिए हम अपना टीम बना करके यहाँ एक असेसमेंट करेंगे और वो 15-20 दिन के अंदर ही कर लेंगे। सर, इस पूजा के माध्यम से आपने समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? अभी इतनी बात कह गए सो तो नहीं सुने आप। अच्छा, बिहार में जन विश्वास यात्रा चल रहा है तेजस्वी जी का, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत भीड़ चल रहा है सर, क्या लगता है? देखिए, भीड़ जो होती है वो बूथ या वोट का पैमाना नहीं होता है। इंदिरा गांधी 77 में उनके एक मीटिंग में हम लोग जाते थे तो जितनी भीड़ होती थी कोई नहीं कह सकता था कि इंदिरा गांधी हारेगी, लेकिन इंदिरा गांधी स्वयं हार गई थी। और ये जो जन विश्वास यात्रा कर रहे हैं, आज इनको तो असेंबली चल रहा है, बजट सेशन चल रहा है, नेता विरोधी दल हैं, वहाँ सारी बातों को इनको उठाना चाहिए था, तो वहाँ से भाग गए और भाग करके जनता में आए हैं। और जनता में जो भीड़ लग रही है वो भीड़ किसकी लग रही है ये हम नहीं कहेंगे, जांच का विषय है। और वो भीड़ जो है उससे वो जीत पाएंगे सो संभव नहीं है। बाकी जो है तीन हिस्सा जो भीड़ है वो बाहर देख करके हंसती है, उनके गलतियों पर तरस खाती है कि इनको विधानसभा में रहना चाहिए, बजट सेशन में सरकार के कुरीतियों कमियों को दर्शाना चाहिए, तो ये अब जनविश्वास यात्रा कर रहे हैं। कैसा जनविश्वास यात्रा? और कह रहे हैं दूसरी बात, एक बात जिसको कि हम बहुत पहले नहीं कहना चाहते थे लेकिन आपने कहा तो कह देते हैं, ये जमहूरियत है, जमहूरियत में कोई राज्य का प्रमुख होता है मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री के इशारा के बिना कोई काम नहीं होता है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर का कोई पद नहीं है संवैधानिक, लोग मान के ऐसे चलाते हैं। और जो आदमी कह रहा है कि 17 महीना में हम 4 लाख नौकरियां दे दिया, तो वो कौन देने वाले होते हैं? अगर नीतीश कुमार नहीं चाहते, नीतीश कुमार की इच्छा नहीं होती तो वो कौन देने वाले थे? लेकिन वो झूठो जनता के सामने, तो वैसे लोगों को जो उनकी भाषा को समझते हैं, जो समझने वाले लोग हैं समझ रहे हैं कि वो कितनी मूर्खता कर रहे हैं, संवैधानिक बात है। और अगर करना ही था उनको, अगर इतना बड़ा काम करने वाले थे तो काहे नहीं 5-10 मिल जमीन लोगों को दिलवा दिया, काहे नहीं 1 एकड़ जमीन लोगों को दिलवा दिया, ये सब बातें तो नहीं किए, तो खाली नौकरी देने के लिए हुए थे, नौकरी से सब काम हो जाता क्या? तो कहने का मतलब वो सिर्फ जनता को बरगलाते हैं, वो समझते हैं कि हमारे लोग हमारी बात को समझेंगे, तो हाँ उनके आदमी उनके बात को समझ रहे हैं, लेकिन उनके आदमी कितने हैं समाज में, वो वोट आएगा समझ आएगा तो देख लीजिएगा।